फ्रेंड्स, यदि आप एक वोल्टास कंपनी का एसी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्राइम टीवी टेक में। आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम टीवी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज हम जब भी अपलोड करें आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे साथ में आज महेंद्र सर, जो कि बताएंगे आज वोल्टास के बारे में। हेलो सर, कैसे हैं? फाइन सर, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सर। थैंक यू। तो सर, हमें बताइए कि एक एसी परचेज करने से पहले हमें पहली बात तो, जैसे कि हमारा एरिया है मान 10x15 यानी 150 square feet है समथिंग, तो उसमें कौन सा एसी लगे या फिर बड़ा एरिया है तो उसमें कौन सा एसी लगे, सारी चीज़ें आप हमें बता दीजिए। तो हमारे व्यूअर्स को एसी परचेज करने के पहले इन सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके सर। हेलो फ्रेंड्स, अगर अपन एसी की अगर प्लान कर रहे हैं इसके अंदर आपका, तो मैं आपको दिखा दूँ, अगर एसी खरीदने अपन अगर जा रहे हैं तो एसी में अगर अपन देखें तो दो प्रकार के एसी इसके अंदर मार्केट में आ रहे हैं। एक अपना आता है इन्वर्टर एसी, एक अपना नॉन इन्वर्टर इसके अंदर। ठीक है। फिक्स, जैसे हम फिक्स इसपे बोलते हैं जो अपना होता है नॉन इन्वर्टर। अब डिपेंड करता है आपका एरिया इसके अंदर का, आपका एरिया रूम का एरिया कितना है इसके अंदर आपका। ठीक है। सपोज आपका अगर रूम का साइज 120 square feet इसके अंदर आता है या 110 square feet है तो अपन इसके अंदर 110 का एसी प्लान कर सकते हैं। या इसके अलावा आपका 150, 170, 180 square feet अगर एरिया आपका इसके अंदर तो अपन 110 का एसी प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। या 200 square feet के ऊपर अगर अपना एरिया है तो अपन इसमें 210 का एसी प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। अगर अपन एरिया अगर सही ढंग से नहीं बता पा रहे जैसे सपोज जब परचेस करने जा रहे हैं तो आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम का सामना कर पड़ सकता है इसके अंदर। जैसे अगर आपका एरिया 120 तक इसके अंदर है तो इसके अंदर सर ये 110 के एसी ये आएगा। ओके, 110 में जा सकते हैं। ये इन्वर्टर मॉडल है, इसी में एक फिक्स स्पीड ये आएगा इसके अंदर। ओके, नॉन इन्वर्टर। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपका मार्केट में दो प्रकार के एसी चल रहा है, एक इन्वर्टर एक नॉन इन्वर्टर। अब दोनों का जो चलने का जो प्रोसेस रहेगा वो भी आपका अलग रहेगा इसके अंदर। ठीक है। और इन्वर्टर सिर्फ काम करता है आपका वेरिएबल लोड पे। अगर एसी की मैं बात करूँ फिक्स स्पीड की तो ये सर आपका 12/5 चालू इसके अंदर होगा। सपोज अगर बात करें अपन इन्वर्टर की, आपने रूम का टेम्परेचर सेट कर देगा जो भी 1x1 जैसे 23 degree 24 degree, तो इसमें क्या होता है इन्वर्टर में इसमें आपका दो मेंशन होता है कूलिंग कैपेसिटी, एक आपका रहेगा 100%, एक आपका रहेगा 50%। जब आपका एसी स्टार्ट होगा तब आपका ये पावर लेगा 100%, बट आपने जो भी रूम का टेम्परेचर सेट कर रखा है इसके अंदर 23 degree 24 degree, ऑटोमेटिक उस टेम्परेचर पे आने के बाद ये ऑटोमेटिक हाफ टेनेज पे आ जाएगा। जैसे आपका एसी सपोज 110 का है तो ऑटोमेटिक ये हाफ टेनेज पे आ जाएगा, तो आपका जो बिजली का बिल इसके अंदर ऑटोमेटिक कम उसके अंदर कम हो जाएगा। और जैसे रूम के अंदर से दो मेंबर बैठे या तीसरा मेंबर एंट्री करता है, चौथा अगर एंट्री करता है, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे आपका रूम का टेम्परेचर बढ़ता है आपका एसी का जो कंप्रेसर रहेगा ये भी अपनी स्पीड मेंटेन करता है इसके अंदर। ओके। तो ये आपके रूम के अकॉर्डिंग कूलिंग करता रहता है इसके अंदर आपका सर। इसी में अपन अगर बात करें फिक्स स्पीड की तो इसका जो काम करने का तरीका होता है इसके अंदर आपका सर, ये बार बार बंद चालू होता है। ओके। सपोज आपने जो भी रूम का टेम्परेचर सेट कर रखा है 23 degree 24 degree, तो ये एसी आपका स्टार्ट होगा 100% पावर से, उस टेम्परेचर पे जाएगा जो आपने सेट कर रखा है, वहाँ पे जाने के बाद में ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। अच्छा, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे एसी ऑफ हो जाएगा। हाँ, आपका रूम का टेम्परेचर अचीव कर लिया ऑटोमेटिक आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा, बट जैसे ही रूम का टेम्परेचर बढ़ता है इसके अंदर बंद होने के बाद में आपका एसी वापस रिस्टार्ट होगा 100% पावर से। तो जितनी बार भी आपका ये एसी स्टार्ट होगा उतना बार आपका ये पावर 100% लेगा इसके अंदर। ओके। तो इसमें अगर इसमें कंपेरिजन करूँ इसके अंदर आपका, तो सर इसमें आपका बिजली का बिल थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर आएगा एज कम्पेयर इसकी मैं बात करूँ इसके अंदर आपको, तो इसमें थोड़ा कम आएगा। तो समथिंग कितना डिफरेंस आता होगा दोनों में यदि देखा जाए तो? सर अगर मेजरली अगर इसके अंदर डिफरेंस आकर देखा सर, इसमें 150-200 यूनिट का डिफरेंस रहता है सर वन ईयर का। वन ईयर कंपनी इसमें जो रेशो निकालता है नॉर्मली इसमें आपका 7 महीने का रेशो इसके अंदर रहता है कंपनी इसमें। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें जैसे इसका अंदर आपका कंजन दे रहेगा सर, इसमें बिजली का 7 महीने का 722 यूनिट पर ईयर अगर इन देंस देखें तो ये 8 से 10 घंटे का रेशो होता है, वो भी 7 महीने का रेशो होता है। कंपनी पूरे 12 महीने को रेशो इसमें नहीं देती क्योंकि अपन एसी नॉर्मली 7 से 8 महीने ही यूज़ करते हैं, तो कंपनी उसी का रेशो इसमें देती है। ओके। तो मान लीजिए 70 से 80 यूनिट का डिफरेंस रहेगा सर इसका। ओके ओके। अगर मैं बात करूँ कंजम्पशन के अंदर आपका, प्लस मेजर पॉइंट इसमें आपका रहता है वारंटी का। इन्वर्टर एसी में आपकी वारंटी सर 10 साल की कंप्रेसर की आ जाती है, नॉन इन्वर्टर में आपकी 5 साल की, इसका 5 साल के जस्ट हाफ हो जाती है, जस्ट हाफ हो जाएगी। प्लस इसमें 5 साल की वारंटी आपको कॉम्प्रिहेंसिव मिलती है इसके अंदर। कॉम्प्रेशन इन द सेंस अगर बात पूरी 5 साल वारंटी पूरी आपको रहेगी कंप्लीट पूरे यूनिट्स के अंदर, पूरे यूनिट की मिलेगी। यस सर। अच्छा, वैसे इसमें दो यूनिट होते हैं एसी में? यस सर। एक इंडोर होता है एक आउटडोर होता है, तो वो दोनों यूनिट के लिए? जैसे मैंने आपको बताया वारंटी का सर इसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, इसमें आपका इंडोर का भी रहेगा सर आउटडोर का भी इसके अंदर, दोनों कवर रहेंगे सर। क्योंकि आपका कंप्रेसर इन द सेंस आपका सर पूरा आउटडोर इसके अंदर हो जाएगा इसके अंदर, उसमें आपका पीसीबी भी इसके अंदर आपका आगे, कंप्रेसर भी आपका आगे, कंडेंसर भी इसके अंदर आपका आगे सर, और आपकी गेज भी इसके अंदर आए थे इसके अंदर।
ये सब चीज उसको वारंटी में पूरा कवर रहेगा इसके अंदर पैसा। अच्छा, गैस का ऐसा रहता है ना कि जैसे अपन कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो जब एसी बंद होता है ठंड के टाइम पे जैसे बंद होता है तो गैस लीकेज का कुछ प्रॉब्लम जैसे होता है तो गैस जो रिफिल होती है ये भी कवर होती है वारंटी के अंदर में? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया वैसे, बट इसमें जो गैस इसके अंदर आपकी रहती है इसके अंदर जिसमें सबसे अच्छा बेनिफिट आपको वोल्टास में सर यही मिलता है कि सपोज आपकी जो गैस कंजन सपोज रहती है जितने परसेंट 70% 80% रहती है तो इसमें आपको पूरी गैस आपको डबल से रिफिल नहीं करानी पड़ेगी। ओके, डिपेंड करेगा आपकी गैस कितनी इसके अंदर निकली है। जैसे सपोज आपकी 10% गैस अगर कम है तो जो बंदा आएगा वहाँ सर्विस एड से ओनली 10% गैस आपकी डालेगा इसका। अच्छा, केवल 10% ही रिफिल करेगा? कम है उतना ही रिफिल करेगा इसका अंदर, मतलब पूरा चार्ज आपको नहीं लगेगा इसका अंदर पूरी गैस का इसका। ओके, मतलब चार्ज लगता है? हाँ, चार्ज लगेगा। गैस जो रिफिल करेंगे उसका चार्ज लगेगा? ओके, तो ये बेनिफिट है कि जितनी मतलब खाली होगी उतना ही रिफिल करना पड़ेगा उसका। ओके, तो ये बेनिफिट वाला पॉइंट। तो ये आपको सर वोल्टा से मिल जाएगा, इसमें ये वोल्टन वाला मॉडल ठीक है, ये डेटन वाला मॉडल सर, ये इन्वर्टर मॉडल है ठीक है, और एक ये आपका वही है नॉन इन्वर्टर मॉडल। इसी में एक मॉडल आता है सर 5-star रेटिंग में आपका आता है ये वाला मॉडल। ओके, सबसे अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट मॉडल अगर ये, इसकी सबसे खासियत है इसका अंदर कंपनी ने ये देखा कि ये आपका सर ये एडजस्टेबल एसी है। ओके, अगर मैं बात करूँ एडजस्टेबल का तो सपोज आपका एसी सर ये 1.5 टन का है तो ये ऑटोमेटिक आपका इसे 1.5 टन में आ जाएगा एडजस्ट करके। इसे डिपेंड करेगा जैसे आपका 1.5 टन का एसी है, आपने रूम का साइज आपका 170-180 है और आप पर वहाँ पे दो ही बंदे बैठे हैं या एक ही बंदा बैठा है तो आपको एसी को अननेसेसरी आपको 1.5 टन में नहीं चलाना पड़ेगा। ओके, इसमें एक रिमोट पे एक बटन आएगा एडजस्टेबल का, आप वो बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका एसी हाफ टेंश पे आ जाएगा 1.5 टन पे। ओके, जैसे एक मेंबर के लिए जैसे सिंगल मेंबर डिपेंड करता है कंडीशन पे तो आप इसको डेट में भी कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी अगर ये आपका पूरा 100% कॉपर में रहता है सर इसके अंदर आपका ए सी में अगर बात करें जो फीचर आप देख रहे हैं जैसे आपका PM2 fine फिल्टर इसके अंदर आपका, इसका बेनिफिट आपको ये होता है इसके अंदर सर जैसे रूम के अंदर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या जो डस्ट पे छपुन जिनको आप खुद से नहीं देख पाते जो डस्ट पार्टिकल्स जो रहते हैं ये उसको भी पूरा रिमूव करके पूरी आपकी एयर पूरी फ्रेश इसके अंदर आएगी। ओके, तो ये सब इसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है सर जी। ठीक है, और जैसे कि एरिया वाइज यदि बात करें तो कितने कितने मतलब रूम के लिए स्क्वायर फीट के हिसाब से अपन को डिफाइन करना चाहिए कि 1 टन लें 1.5 टन लें या फिर 2 टन का एसी लें अपन? सर अगर डिपेंड करता है इस स्थिति पे सपोर्ट आपका अगर एरिया 120 है या 110 है स्क्वायर फीट तो अपन उसमें 1 टन का प्लान कर सकते हैं। ओके, मतलब 120 तक मैक्सिमम 1 टन पे जा सकते हैं? 120-125 सर। ओके, वो भी इसीलिए जा सकते हैं 1 टन पे। और अगर आपका एरिया जैसे 125 भी है और अगर सपोज धूप सीधे डायरेक्टली छत से धूप सीधे इसके अंदर आपके आ रहे सर इसके अंदर साइड से धूप इसके अंदर हीटिंग कर रहा है तो फिर अपन 1 टन पे ना जाकर 1.5 टन जा सकते हैं सर। ओके, 1.5 टन में जा सकते हैं, डिपेंड करेगा धूप के ऊपर सर क्योंकि सनलाइट हाँ कि डायरेक्ट आ रही है नहीं आ रही है उस पर डिपेंड करता है। ओके, सपोज ग्राउंड फ्लोर पे है धूप डायरेक्टली नहीं आ रही है तो वहाँ पे 1 टन भी सफिशियंट है? हाँ, अगर 125 स्क्वायर फीट तब भी सफिशियंट सर, उसमें कोई इशू नहीं, आप लगा सकते। ठीक है, और इसके बाद में फिर 1.5 टन की बात करें तो वो मैक्सिमम कितने एरिया तक के लिए सही है? सर 1.5 टन आपका जाएगा सर मैक्सिमम आपका 170 स्क्वायर फीट 180 स्क्वायर फीट तक के लिए मैक्सिमम कवर है। 180 तक मैक्सिमम? यस सर। ठीक है, बट 180 स्क्वायर फीट में अगर मैं आप बोलो कि धूप से अच्छा हाँ वो धूप नहीं आनी चाहिए उसके लिए भी आपको सर नहीं बोलूंगा कि वो 1.5 टन लीजिए उसके लिए। ठीक है, मतलब डायरेक्ट धूप नहीं आनी चाहिए, धूप नहीं आ रही तो 180 स्क्वायर फीट तक भी सफिशियंट है 1.5 टन। ओके, और 2 टन में मैक्सिमम कितने तक अपन ले सकते हैं, कितना एरिया कवर कर सकता है 2 टन में? 2 टन वाला सर आपका करेगा इसका जैसे आपका ये वाला एसी 2 टन में ये आपका सर 225 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेगा। 225 स्क्वायर फीट हाँ जी सर इसके अंदर। ओके, 2 टन में इसके अंदर। बाकी काम करने का तरीका अगर बात करें तो सभी का सेम ही रहेगा इसके अंदर, जो अपन ने 1 टन में देखा इन्वर्टर में सेम इन्वर्टर ये भी काम करेगा इसके अंदर सर। ये भी 3-star इन्वर्टर रहेगा, ये भी 3-star इन्वर्टर था बट अपन ने देखा 1.5 टन वाला 5-star था। स्टार रेटिंग इन द सेंस अगर जितने ज्यादा आपके स्टार इसके अंदर रहेगा उतना आपका बिजली की सेविंग करेगा सर। ओके, स्टार रेटिंग में जैसे कि डिफरेंस करें 3-star और 5-star में कितना डिफरेंट आ जाता होगा प्राइस का यदि बात करें तो? प्राइसिंग की अगर बात करूँ सर अगर देखें तो ये 40,000 का है, ये 34,000 का है। ओके, सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ बट ये थोड़ा मॉडल हैवी है एडजस्टेबल मॉडल है इसलिए प्राइसिंग इतना महंगा, बाकी 3-4 का प्राइसिंग में वेरिएशन मतलब होता है। मतलब 3-star और 5-star में 3-4,000 का प्राइसिंग इसका वेरिएशन का। और ये यहीं पे डिफरेंस यदि इसमें लें कि कितना अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहा है वो उसमें कितना डिफरेंस आता होगा? वो रहेगा सर आपका अगर 1 साल का जो बताया मैंने आपको 7 महीने का हाँ वो 7 मंथ का 100-150 का डिफरेंस 100-150 यूनिट का डिफरेंस आता है 3-star और 5-star में डिफरेंस रहेगा इसका अंदर। ओके, थैंक यू सो मच महन जी, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एसी परचेज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आज की ये वीडियो। थैंक यू सो मच सर। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुँच सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम टीवी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस हम जब भी अपलोड करें आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद।